How do you do? तुम कौन हो? तुम्हें किससे मिलना है? अरे मेरे ताता थैया, तेरे को शर्म नहीं आती क्या? सैया को कहती है तू भैया। यस। ये कहते तुम लेकर आए हो? मीनाक्षी राजकुमार फादर छोटी जल्दी आओ। मीनाक्षी मेरी जान, जल्दी बाहर आओ। डैड, ये क्या हाल बना रखा है? कुछ लेकर आओ क्या? ये मेरा नया गेटअप है। किचन ग्रोवर से गंदा गेटअप है, फौरन बदल डालो, वरना वैसे तो लोग आधा पागल कहते हैं, मास्टर इन पागलपन की डिग्री मिल जाएगी। डैड, आप शरीफ बच्चों के बाप हैं। इस तरह से फिल्मी गुंडे जैसे कपड़े पहनते हो, आपको अच्छे नहीं लगते? अरे आजकल बड़े बड़े पॉप सिंगर ऐसे ही ठेड़े मेड़े कपड़े छोड़ो बापू, कपड़े पहनते। आपके कव्वाल बनने के क्वालिफिकेशन नहीं है और आप चले पॉप सिंगर बनने। अरे बनने नहीं, मैं बन चुका हूँ। अरे पॉप म्यूजिक में आजकल मेरा नाम है आनंद आवारा। आनंद आवारा? सिर्फ आवारा रहो, तुम्हारी हरकतों पर सूट होता है। देखो बेचारा आदमी कितना भी चाहे ना, तो वो आवारा नहीं बन सकता। तुझे किसने कहा मैं बेचारा हूँ? पांच पांच बेटियों का बाप सिर्फ बेचारा ही हो सकता है इस देश में। अरे नहीं, मैं नजीर हुसैन की इमेज तोड़कर नासिर हुसैन के गली में घुसना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। बहुत बहुत बच्चन हो चुके हैं अमिताभ बच्चन, ये बेहुदा कपड़े चेंज करो, नाश्ता करो और ऑफिस जाने की तैयारी करो। नहीं मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, मैं रिहर्सल पे जाऊंगा। यस। अरे तो ऑफिस कौन जाएगा, मेरा बाप? क्यों क्यों भूल गई क्या? तुमने तो कहा था कि ऊपर वाला अगर दांत देता है तो चबाने के लिए चिकन भी देगा। क्या हुआ कभी नौकरी करते ही क्या? चूहा कभी दुकान खोल के बैठते ही क्या? मैंने भी तुम लोगों को ऊपर वाले के हवाले सौंप दिया है। अगर ऊपर वाला बंदर और भालुओं का पेट भरता है तो तुम लोगों का भी पेट भरेगा। ठीक। हेलो, अबे हेलो। हाँ सर, मैं आनंद बोल रहा हूँ। हाँ नहीं 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 सर, मैं आज नहीं आऊंगा। नहीं नहीं, मैं पूरे महीने के लिए नहीं आऊंगा। ओके ना? ओके ओके। वो मेरी बीवी को पागल कुत्ते ने काटा है। काटा है क्या? इसलिए वो सबको काटने के लिए दौड़ती है। हाँ क्या, मैं उसे हुलिया लेके जा रहा हूँ। हुलिया मालूम नहीं आपको? अरे वही वो हुलिया, वो जो आंखें पिक्चर है ना, आंखें पिक्चर, उसमें जो गोविंदा ने काम करता था ना, तो गोविंदा का गांव दिखाया था ना, वही गांव। हाँ देखा हो, जाओ वो अंगने में बाबा दुलारे पटेड़ा बड़े, ये गाना गाया था ना वो। हाँ गाना नहीं समझ में आया? अंगने में बाबा दुलारे पटेड़ा, अब तो मिल गया ना। हाँ थैंक यू सर, भगवान आपके बीवी बच्चों को कुत्ते के काटने से बचाए। थैंक यू। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी मटर गश्ती के लिए मुझे कुत्ते से कटवा दिया? क्या है, पहला मेरा इरादा तो थर्ड स्टेज टीबी से था, लेकिन बाद में मैंने सोच लिया कि टीबी का पेशेंट तुम्हारी तरह 29 इंचेस के टीवी की तरह फूलता नहीं ना, इसलिए मैंने पहली बार वही चले मैं जाता के बाबा के बारी अपना बापू तो स्वीटी का बापू बन गया यार। हाँ छोटी, जरा पता तो करना किसकी शय में डैड इतने उछल कूद रहे हैं। और क्या, हमारे भोले भाले डैडी को भड़काने वाले कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे। अरे बहन जी, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं ये सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, और मल्होत्रा ने अपना घर म्यूजिक डायरेक्टर को किराए पे दिया है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, तो कल सुबह तेरे बाजू वाला फ्लैट किसी कोठे वाले को किराए पर दे देगा तो? हाँ, और फिर घुंघरू की खनक और इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा, की आवाज सुनाई देगी तो? हाँ, और फिर गलती से कोई बेवड़े अपने हाथों में गजरा लगाकर तेरे घर में घुसाए और तेरी बीवी को मुन्नी बाई बुलाए तो? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। हाँ इसलिए सबसे पहले उनके पास से फ्लैट खाली करवाओ। हाँ। अरे आज म्यूजिक डायरेक्टर आया है, कल मटके वाले आएंगे, परसों चरस वाले आ जाएंगे। हाँ। फिर आरडीएक्स वाले आएंगे। हाँ, वैसे तो पूरी सोसाइटी अंडरवेल्ड हो जाएगी। हाँ? रिंग में अंडरवर्ल्ड हो जाएगी। हाँ? मैं अभी जाता हूँ और उसके तबला पेटी कचरा पेटी में डाल के आता हूँ, अभी निकलता हूँ। कांग्रेस साहब, कुछ भी काम हो ना तो अपुन को फोन करना, अपुन तलवार लेकर बैठा ही जा जा। कांग्रेचुलेशन। क्या? नहीं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जा 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 जल्दी जा। सोने सिपिन।
वाह वाह, क्या दृश्य है, क्या दृश्य है। ऐसा लगता है कि कुत्ता आंखें बंद करके हड्डी का ध्यान कर रहा है। मिल गया दादा, मिल गया, अब हमारे साथ गाओ। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, के नाई की कैंची हिले, के नाई की कैंची हिले दिल मेरी। कमाल कर दिया, शर्ट को फाड़ के रुमाल कर दिया। इस गाने से तो लगता है फिल्म जगत में एक नया दौर आएगा, नया दौर। अबे नया दौर की धुनी मारी है इसने। अंतरा तो सुनो। अंतरा कौन है? अंतरा बोलो बोलो सुनो। तेरी शक्ल है बंदर जैसी, ओ तेरी शक्ल है बंदर जैसी, ओ तेरी शक्ल है बंदर जैसी, मदारी तुझे ले जाएंगे, मदारी तुझे ले जाएंगे जिन्न मेरी है। वाह वाह, पानी लेने के बहाने आजा, पानी लेने के बहाने आजा, वो पानी लेने के बहाने आजा, के टैंकर आया गोरिये, के टैंकर आया गोरिये जिन्न मेरी है। वाह वाह दादा वाह। मीरा रोड के म्यूजिक डायरेक्टर लगते हैं तुम। इन लोगों को वापस मीरा रोड भेज दो। क्या बात है पांडे साहब, ये तंदूरी मुर्गे जैसे लाल लाल होकर कहाँ से आ रहे हो? आप बीच में मत आइए आनंद बाबू, मैं इन लोगों को सोसाइटी से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। फौरन ये फ्लैट खाली कीजिए। अरे तू कौन है रे बांगड़ू, और ये औरंगजेब की नाती की तरह क्यों बोल रहा है? मैं इस सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, और इस सोसाइटी में गाने बजाने वाले नहीं रहेंगे। अरे फिर तो तुम्हारी सोसाइटी बिना औरत के हो जाएंगी। कैसे? इस सोसाइटी में हर माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए लोरियां गाती है और बहलाने के लिए गुनगुना बजाती है, तो हो गए ना इस सोसाइटी के हर माँ गाने और बजाने वाले। मुंह संभाल कर बात कर बंदर छाप चतबंजन, हमारी सोसाइटी की माँ को गाने बजाने वाली बोलता है। लेकिन आप इनसे ये फ्लैट क्यों खाली करवाना चाहते हैं? आपके बच्चों का ऑर्डर है। अच्छा समझ गया, तो टेररिस्टों ने पाप से लड़ने के लिए टट्टू भेज दिया। पर उनकी बात भी तो सच है, आज सोसाइटी में गाने बजाने वाला आ गया, कल कोई पॉकेट मार आ जाएगा तो? अब म्यूजिक डायरेक्टर ने पॉकेट मार, इसमें फर्क नहीं समझते? क्या फर्क है, वो लोग दूसरे की पॉकेट मारते हैं और ये लोग दूसरे की धुन मारते हैं। अरे पांगे साहब, ये लोग संगीतकारों की छवि सुधारने आए हैं। कैसे? अरे हम लोग माइकल जैक्सन और मैडोना से नहीं, आम इंसान से संगीत निकालते हैं। आम आदमी भी संगीत होता है? होता है, संगीत होता है। अरे संगीत तो हम लोगों की रग रग में बसा हुआ है। जब बच्चा पैदा होता है तो गाना होता है, जब कोई बुढ़ा कुड़कुम्बा होता है तो गाना होता है, अरे जब शादी होती है तब गाना होता है, जब गोद भराई की रस्म होती है तब गाना होता है। हमारे भगवान श्री कृष्ण भगवान, उनके हाथ में तक बंसरी है, हमारी माँ सरस्वती जिनके हाथ में वीणा है, मंदिरों में शंख बजाए जाते हैं, घर घर में मृदंग बजाए जाते हैं, और तुम पूछते हो संगीत कहाँ है? संगीत कहाँ है? संगीत हर जगह है, हर जगह है, हर जगह है। सचमुच आपके विचार कितने क्रांतिकारी हैं, प्लीज मुझे भी आपके बैंड में शामिल कर लीजिए ना। अवश्य, क्यों नहीं, मगर तुम करोगे क्या? हाँ, तुम ये खंजरी बजाना। अरे वाह, आयो दप्पा, आयो दप्पा, आयो दप्पा, आयो दप्पा, आयो दप्पा, आयो दप्पा। अरे यार ये छोटी का भी अभी तक फोन नहीं आया। हेलो, हाँ छोटी बहन, क्या पांगे भी उन लोगों की टीम में शामिल हो गया है? अच्छा चल ठीक है। काजल, ये सिप्पी और सोनी जितने दिखते हैं उतने सीधे नहीं है। हाँ, उन्हें सोसाइटी से निकालने के लिए टेढ़ी उंगली का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ये काम कादर भाई कर सकते हैं। तू मेरा बाप गाना गाएगा? अरे कहता हूँ काजल भाई, उसको अच्छे साइकिल की सीट को बताओ। साइकिल की सीट? हाँ, वो क्या खोपड़ी ठीक करने वाले डॉक्टर को क्या बोलते हैं?
साइकियाट्रिस्ट। अरे वही, तुम्हारा बाप इतना बेसुरा है, अरे कुमार में पड़े हुए मरीज के कान में गाए ना, वो भी एक बार भड़क के खड़ा हो जाए। वही तो कादर भाई, मगर सोनिया सिप्पी नाम के दो ठगों ने इन्हें बहका दिया है। अरे तो जाके फटकर डालते ना उसको। अरे यार, इसीलिए तो आपको बुलाया है। मुझे क्यों? अरे कादर भाई, आप हमेशा कहते थे ना कि खिदमत का मौका दो, खिदमत का मौका दो, तो सोचा कि एक छोटी सी खिदमत का मौका आपको दे ही देते हैं। काजल भाई, आप एक आवाज करो, आपके लिए अपन सूली पे चढ़ने को तैयार है। तो कादर भाई, हमारे गुमराह डैड को रास्ते पे लाने का काम आपका। काजल भाई, मैं यूं गया और यूं आया। अनिल बाबू गजब हो गया, किसी ने सिंदूर घोल के पिला क्या? क्या नहीं, अरे कादर भाई नंगी तलवार लेके आप लोगों का बैंड बजाने आ रहा है। वो कादर भाई का बंदोबस्त हम लोगों ने किया है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ये बंदोबस्त। अरे आपको इस और देने की क्या जरूरत है? कौन है ये लोग? सॉरी, क्यों बुलाए हैं मुझे? बस यू समझो कि नेवले को डरने के लिए नागिन को। समझ गया आनंद बाबू, आपकी चाल समझ गया। मैं समझा रहा हूँ। ये है सिप्पी। हाय। और ये है सोनी। हाय। ये दोनों म्यूजिक डायरेक्टर हैं। इन लोगों ने मिलके एक बैंड चालू किया है, चोरी चोरी। चोरी चोरी नहीं किया है, बैंड का नाम है चोरी चोरी और उसका लीड सिंगर मैं। होश में हो? अरे कुछ पानी लाओ। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अभी होश में आएगी। देखो बात ये है पूजा आंटी। आंटी मत कहो ना। देखा? देखो मेरी पूरी बात सुनने के बाद बेहोश हो जाना। ठीक है। और इस ग्रुप की फीमेल लीड सिंगर हो चोरी चोरी ए, और तुम हो मैं, और आपके बैंड में फीमेल सिंगर। अपने होश गवाइए, अपना नहीं तो अपने आशिक का दिल बहलाइए। छोड़ो, छोड़ो मुझे। जाने मन, तुम ये रंग बेरंगी ईड़ों के बीच में क्या कर रही हो? तुमसे मतलब? मतलब? चकोर से पूछती हो चांदनी से क्या मतलब है? प्यासे से पूछती हो पानी का क्या मतलब है? तड़पने का क्या मतलब है? ए कादर भाई, ये हमारे ग्रुप की फीमेल लीड सिंगर है। अच्छा, तो हम भी आपके बैंड के मेंबर हुए आनंद बाबा। तुम्हें क्या बजाना आता है? मुझे लोगों के कान के नीचे बजाना आता है। खतरनाक लगता है। बहुत खतरनाक है, लेकिन लौकता नहीं है, वो खतरनाक ही है। ऐसा नहीं है आनंद बाबा, ऐसा तो हम गा भी सकता है। सुनाओ। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करे बोलो तो, जिए या मर जाए। मर जाओ। ठीक है आनंद भैया, पेपर और पेन लाना। पेन और पेपर गाय के लिए? अपन लिख के मरेगा, अपन लिखेगा अपन पूजा आंटी के हुक्म से मर रहा है। पकड़ने से किसको क्या मतलब? नहीं ऐसे मत करना, अगर तुम मर जाएगा तो हमारा बैंड शुरू होने से पहले बंद हो जाएगा। बस पूजा बोलने दो ना। हाँ, अपन गली में से गुजरते हैं तब कुत्ते भौंकते हैं, तो क्या उनके सामने अपन भौंकते हैं? ए पांगे, क्या बोला तू? नहीं कादर भाई, यूं एग्जांपल दे रहा था। ऐसे एग्जांपल मत देना, इसके सामने कोई कुत्ता भी भूखा ना अपन उसकी जुबान काट डालेगा, समझा? बहुत हो गया पूजा और टकलू की प्रेम कहानी, अब काम शुरू करें। क्या कहा? यानी काम शुरू करें, यानी रिहर्सल शुरू करें। पहला अपना
घोर 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 जी, अगर आप गाती है तो आपके लिए हम नया बैंड खोलेंगे। नहीं!